गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास फॉर सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण, चैप्टर नंबर फर्स्ट, भाषा और व्याकरण। आप सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 7 निकालिए। अपनी बुक्स ओपन कीजिए, पेज नंबर 7 निकालिए। यह चैप्टर नंबर फर्स्ट भाषा और व्याकरण का वीडियो पार्ट थर्ड है। हम अपना HW कर रहे हैं। कल हमने कैक है कैक क्वेश्चन किया था, आज हम HW में क्वेश्चन नंबर है रै छह और जय करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर है कौन सा है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। नंबर फर्स्ट, हम डॉट या डैश, हम डैश या मैं इसको कहते हैं हम खाली स्थान, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। हम चैप्टर पढ़ा कैसे हम अपनी बात दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं, यहां पर सुनकर आया है। तो क्या है यहां पर, फर्स्ट में हम डैश यानी बोल कर, हम फर्स्ट में क्या आएगा बोल कर, फर्स्ट में क्या आएगा फर्स्ट शब्द में बोल कर, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। सही बच्चे, फर्स्ट में बोलकर भरिए खाली स्थान में बोलकर, हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर समझते हैं। नंबर सेकंड, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा खालिस्तान कहलाती है। हम जब पढ़ता क्या कहलाती है, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा, क्या कहलाती है राष्ट्रभाषा। तो सेकंड में खालिस्तान में क्या भरिए राष्ट्रभाषा। पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो सेकंड में दूसरे में आप राष्ट्रभाषा भरिए, पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। नंबर 3, हर वर्ष खालिस्तान को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमने चैप्टर पढ़ा था कि प्रत्येक 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो तीसरे में खालिस्तान क्या आएगा 14 सितंबर, क्या आएगा 14 सितंबर। भाई इसको तीसरे में खालिस्तान में 14 सितंबर, हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नंबर 4, भाषा को लिखने का ढंग खालिस्तान कहलाता है। हम चैप्टर पढ़ा था पहले कि भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है लिपि, क्या कहलाता है लिपि। तो नंबर 4 में खालिस्तान का लिपि भरी, नंबर 4 में खालिस्तान का लिपि भरी, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। नंबर 5, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि खालिस्तान है। तो हमने चैप्टर पढ़ा था कि हिंदी संस्कृत गुजराती और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। तो नंबर 5 में खालिस्तान का देवनागरी भरी, नंबर 5 में खालिस्तान का देवनागरी भरी। नंबर 5, गुजराती और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है।
गुजराती और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। क्वेश्चन क्या अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन 10 सही मेल मिलेगी, सही मेल मिलेगी। आंसर लिख क्या मिलेगी, हिंदी। फर्स्ट पे क्या है, हिंदी। हिंदी के सामने क्या है, गुरमुखी। दूसरे पे क्या है, पंजाबी। पंजाबी के सामने क्या है, रोमन। नंबर 3 पे क्या है, अंग्रेजी। अंग्रेजी के सामने क्या है, फारसी। नंबर 4 पे क्या है, उर्दू। उर्दू के सामने क्या है, देवनागरी। तो हमने पढ़ा चैप्टर में पहले पढ़ा है हिंदी, हिंदी की लिपि कौन सी होती है, देवनागरी। तो हिंदी को देवनागरी से मिलान कीजिए, हिंदी को देवनागरी से मिलान कीजिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है, तो हिंदी को देवनागरी से मिलान कीजिए। नंबर 2 पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है, पंजाबी भाषा को गुरुमुखी से मिलान कीजिए। पंजाबी भाषा का गुरुमुखी से मिलान कीजिए। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी होती है। नंबर 3 अंग्रेजी। अंग्रेजी की लिपि रोमन होती है, अंग्रेजी का मिलान रोमन से कीजिए। अंग्रेजी का मिलान रोमन से कीजिए, यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। लास्ट उर्दू। उर्दू का मिलान फारसी से कीजिए, उर्दू का मिलान फारसी से कीजिए। उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। रिपीट कर रहा हूं, हिंदी का मिलान देवनागरी से कीजिए, पंजाबी का मिलान गुरुमुखी से कीजिए, अंग्रेजी का मिलान रोमन से कीजिए, उर्दू का मिलान फारसी से कीजिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर भी अपना क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। आंसर देखिए, जिस साधन या माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। जिस साधन या माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। इसके बाद प्रिंट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने रूप होते हैं। आंसर देखिए, जिस साधन या माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा।
एक बार फिर क्लियर करते हैं उसको। आंसर देखिए, जिस साधन द्वारा, जिस साधन या माध्यम से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के द्वारा कही गई बात को समझते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा तथा दूसरा लिखित भाषा। क्वेश्चन नंबर जय, क्वेश्चन नंबर जय, व्याकरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर जय देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? आंसर, जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। लास्ट बार कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर जय, व्याकरण किसे कहते हैं? आंसर देखिए, जिस ज्ञान से हम भाषा को शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। क्लियर, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।